बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह, मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, जब बात करें कश्मीर के हवाले से और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम बारहा डिस्कशन करते हैं, वहाँ जारी इंसानियत सोज वाकयात के बारे में बारहा डिस्कशन करते हैं, उस हवाले से अब नवाज शरीफ साहब जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, भारतीय बर्बरियत से पर्दा उठाएंगे और साथ ही वहाँ जाके वो बातें करेंगे जिसके हवाले से हुर्रियत रहनुमाओं से भी जो कल मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने रखेंगे, आलमी बरदरी के सामने रखेंगे ताकि कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके और कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ईज ऑफ किया जा सके। लेकिन खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब ये स्पीच सुनेंगे ही नहीं और स्पीच से पहले ही गायब हो जाएंगे और सुषमा स्वराज को लगा देंगे स्पीच सुनने पर और उसका जवाब देने पर एक दिन बाद, जो कि एक टाइम गेनिंग टैक्टिक भी हो सकता है कि टाइम गेन करके प्रॉपर आंसर लिया जाए। इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है सैयद गुजरफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तनवीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ साहब की अमेरिका रवानगी, ठीक है, आज वहां जाके बात करना वो भी सही, पहले भी बात कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में वो भी हमें पता है, लेकिन इसको कंटिन्यूस रखना ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और देखिए बज़ाहर तो ये बात इमरान खान की अपनी जगह पे दुरुस्त है कि महज एक तकरीर के साथ कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं जाते हैं, ये महज ये जनरल असम्बली का इजलास नहीं है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बान की मून से भी मिलेंगे, आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे, साइड लाइन मीटिंग्स भी हैं, दो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसके अंदर भी ये शिरकत हो रही है। 19 सितंबर से ये इजलास शुरू हो रहा है जनरल असम्बली का, गालिबन 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है और 22 को इंडिया की बारी है और इंडिया से इतलात ये आ रही हैं कि मोदी शायद नहीं जा सकेंगे, उनकी वजीर खारजा उनके बिहाफ पे वहाँ तकरीर करेंगी और पाकिस्तान की बातों का जवाब देने का उनको वक्त मिल जाएगा। देखिए जनरल असम्बली का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में सूरत हाल बड़ी कशीदा है, महाजरीन का मसला है और कई जगहों पे अमन अमान के मसाइल हैं, इधर खत्ते में हम देखें तो दो एटमी ताकतें तनाव का शिकार हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक कशीदगी है, अफगानिस्तान के साथ मामलाते हैं, कश्मीर का मामला बड़ा, इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक पीस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। यहाँ पे ये जो आलमी लीडर्स हैं ये दुनिया के मसाइल के हल के लिए क्या क्या तजावीज़ रखते हैं, किस तरह सोचते हैं, एक तो ये इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब वहाँ जाता है तो मेरा ख्याल है कि एक तो ताकत उन लफ्ज़ों में है जब वो जाके कश्मीर का मुकदमा रखेगा, लेकिन अगर हम अपने वज़ीर आज़म को डिसग्रेस करके भेजेंगे, इस मैसेज के साथ भेजेंगे कि ये सैर सपाटे के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे खाने खाने के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे इसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो ये अपने डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को मुतनाज़े करके भेजना और जब वो जनरल असम्बली में कश्मीर की ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस वहाँ हो रही हैं इंडिया में उनको जब वो हाईलाइट कर रहा होगा तो हम उसके घर पे चढ़ाई कर रहे होंगे। वो तो वो मैंडेट के थ्रू है ना, मैंडेट के थ्रू आने की वजह से उनके पास एक प्रॉपर जवाब भी है तमाम चीजें सामने लेकर आने का। लेकिन गजनफर साहब, जब हम बात करते हैं अमन की, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर अमन की, तो हालात तो हम देख रहे हैं सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, अरब स्प्रिंग के बाद से अब तक के हालात बेहतर नहीं हो पाए, संभल नहीं पाए, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन का बनना और उसके बाद के तमाम चीजें, क्या फायदा हुआ यूनाइटेड नेशन का जब कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा, फलस्तीन का मसला नहीं हल हो रहा, अरब का मसला नहीं हल हो रहा। अनिका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने जिस चीज़ की तरह पॉइंट आउट किया, यूएन जनरल असेंबली इजलास, आपको पता है 71st इजलास है, हर साल होता है, ये होना एक तरीक़े कार से और उसका कंडक्ट हो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज एक रूटीन बन चुका है। सही प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की बजाय यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन चुकी है। सही। और वो कॉरपोरेशन इसलिए बची है कि उसके अंदर फंडिंग आ गई है बड़े बड़े मुल्कों की, अमरीका जो चाहता है वो उससे करा लेता है। अब इस दफ़ा का जो भी आप एजेंडा उठा के देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इससे लड़ना, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये तमाम चीज़ें आपको वो एजेंडे पे नजर आएंगी। इंटरनेशनल टेररिज्म या टेररिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा क्लोजली लिंक है। टेररिज्म के अंदर आप जाएंगे तो दुनिया में आपने जो पॉइंट आउट किया सीरिया से अपना इराक से लेके सीरिया तक,
पहले चिलकोट इंक्वायरी आई थी जो जिसने टोनी ब्लेयर के मुताबिक कहा था कि उसने जो कुछ किया इराक में वो नहीं था जो हकीकत थी, उसने झूठ बोला। उन्हें कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा, कोई वेपन हुआ। उसके बाद अब नई इंक्वायरी आई है जो लीबिया के बारे में आई है, जिसमें डेविड कैमरन को कहा गया कि डेविड कैमरन ने भी जो है वो गलत रीड किया और ओवर प्रपोज किया। अब ये लोग हैं जो, और उसके साथ जो इसिस की जब बात होती है तो एक रिकॉर्ड पे एक चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है, उस चीज में कहते हैं कि जॉन मैकेन, हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा ने इसिस को जो है वो खड़ा किया और कज़ाफी के खिलाफ लड़ाया। जॉन मैकेन ने ट्रिपोली में जाके सितंबर में इंटरव्यू दिया 2012 में गालबा, उसने कहा कि जो कज़ाफी से लोग लड़ रहे हैं बागी, ये मेरे हीरो हैं। उसके बाद जहाँ अब सीरिया में जाते हैं तो सीरिया में अब ये एक अभी अमेरिकन ट्रेन ब्रिगेड लड़ रहा है, $500 मिलियन का जो है वो स्पेशली यूएन व्हाइट हाउस ने सेंक्शन किया, जिसके जरिए हथियार इजिप्ट उठाए गए और वो जाके CIA ने डिलीवर। अब ये है बड़ी ताकतों का करेक्टर, और इतने बड़े बड़े मसले नहीं हल कर पाए तो कश्मीर के मसले की तरफ कब आएंगे। किसी जमाने में नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो टेररिज्म किया करते थे, आज हालत ये आ गई है कि दुनिया की डेवलप्ड कौमें जो हैं, जो अपने आप को जमहूरियत का और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहती हैं, वो टेररिज्म, लिटरल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो दुनिया में टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। फिर जो UNO में जाके बोलते हैं कि जी हम टेररिज्म को कंट्रोल करें। अब आई बात, जैसे आपने पाकिस्तान में एक चीज पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, क्योंकि हम इस चीज को जो देखते हैं बुनियादी तौर पर, आज जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं नवाज शरीफ का जो खिताब होने जाना है कश्मीर के बारे में। अब इंडिया में एक फिलॉसफी है मोदी की जो बुनियादी तौर पर हिंदुत्व से एमर्ज करती है, और उस हिंदुत्व की फिलॉसफी में वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये दुनिया की जो मल्टीलेटरल सेटिंग्स है ना, मोदी ये बिलीव करता है कि मल्टीलेटरल सेटिंग्स इंडिया के लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए इसके अंदर उसने ये जोर दिया है कि मैं वो चीज़ें करूँगा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, इंडिया की अपनी ताकत है, जिसमें उसकी फॉरेन पॉलिसी के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद मेड इन इंडिया की पॉलिसी है, तो उसके लिए UN जनरल असेंबली की ये जो सेटिंग है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। हालांकि बान की मून कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज में वो आते हैं, लेकिन उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी के पत्ते खेलते हैं। हमारे यहाँ तो कोई फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, सो वी डोंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को दो बंदों के दरमियान, वो जो तराजू की वो नहीं होती, एक उसके दरमियान एक पिंग पोंग बना के, और अभी तक बैलेंस नहीं है वो अपनी बैलेंस। अब ये जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा हिंदुत्व में मल्टीलेटरल सेटिंग्स का कोई इशू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें भी उन्होंने सोचा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पहले अपना वो तमाम कार्ड खेल दिए हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिल लिए, कश्मीर का एजेंडा है, ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक असूली मौकफ लिया हुआ है, वो जाके जब ये बातें करेंगे तो वो चाहते हैं कि ये सुन के इसका जवाब कौन दे। अब मोदी ने इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी सुषमा स्वराज ने अगर याद हो तो एड्रेस किया था, तो उन्होंने कहा कि उन चीजों को काउंटर करने के लिए अब उन्हें सुषमा स्वराज पे जो आगे करना है, यानी इसका मतलब ये कि मोदी साहब, मतलब ये मैं आपको इसको कंक्लूड ये करूं कि मोदी के लिए UN जनरल असेंबली, और इससे दो दिन पहले उसने अफगानिस्तान के साथ मायदा किया है और वहां पे उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि जी हम ज्वाइंट विल के जो है पाकिस्तान को। अब ये तमाम चीजें वो हकीकतें हैं जो आप UN जनरल असेंबली से पहले ये पॉइंट आउट होनी चाहिए थी वेस्टर्न कैपिटल में, न सिर्फ ये कि अमरीका में, बल्कि ये बताना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, बर्तानिया हो गया या फ्रांस, कि ये चीजें हैं जो इंडिया पाकिस्तान तो आप इंटरनेशनल टेररिज्म को जब एड कर रहे हैं, मोदी जब इंटरनेशनल टेररिज्म की मदद कर रहा है, उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप बताइए कि तमाम चीजों की ये तो क्लियरली मोदी ने बता दिया ना, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कह दिया UN जनरल असेंबली को कि हम आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि मैं खुद बैठूं, मैं अपनी वजीर खारजा को बिठा देता हूं, वो सुन के जवाब भी दे देंगे, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। मैं आपको पहले एक वाकया सुनाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि क्या हम कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं, जंग लगाना चाहते हैं, मसलों को हल करना चाहते हैं, या पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं? पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आपकी हुकूमत का, आपके खारजा दफ्तर का और तर्ज अमल होगा। अगर आप अमन की तरफ आना चाहते हैं तो तर्ज अमल और होगा। जनरल परवेज मुशरफ का दौर था, बहुत शानदार ताल्लुकात इंडिया के साथ थे, मोहब्बतें और दोस्तियों के जेस्चर एक्सटेंड हो रहे थे, और यानी ऐसे लगता था कश्मीर का मसला हल होने के करीब है, और ये वज़ीर ख़ारजा ने कह भी दिया था। जनरल असम्बली का इजलास हुआ और मुशर्रफ हीरो थे उस वक्त, उनको टाइम नहीं मिला कि अपनी वो तकरीर पढ़ सके। एक सिफारतकार थे वहाँ, मुनीर अक्रम साहब, जो एंटी इंडिया सिफारतकार हैं, जो कशीदगी के ऊपर बिलीव करते हैं, उस तरह से बढ़ाने की बात करते हैं। उन साहब ने तकरीर लिखी और वो तकरीर इतनी एंटी इंडिया थी, एलिगेशंस थे,
कि जब उसके बाद मुशर्रफ मिलेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। उन्होंने खुर्शीद कसूरी साहब ने पूछा, अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि ये भारतीय वज़ीर आज़म को क्या हुआ। उसने कहा हमसे आप दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं, आपने ये तकरीर क्या की। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि फॉरेन ऑफिस के अंदर भी एक धड़ा है जो एक खास एजेंडे के ऊपर काम करता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं चाहते कि इस खत्ते के लोग तरक्की करें, जहां गुरबत का खात्मा हो, यहां स्टेबिलिटी आए, और यहां पे जंगों पे, बारूद पे जो हम पैसे सर्व कर रहे हैं, ये लोगों की सेहत खुशहाली के लिए आए। देखिए बात ये है, अगर अक़वाम मुत्तहदा को कामयाबियां बाज केसेस में नहीं मिली, अक़वाम मुत्तहदा का एक कंट्रीब्यूशन भी है। मेरी बात सुनिए, बस एक चीज, आलमी बरादरी ग्लोबल विलेज में मुत्तहदा ने जहां चाहा, मैं एक चीज ध्यान में रख, जवाब की तमाम बातें कर रहे हैं, इस बैकग्राउंड जहां चाहा उनको कामयाबी मिली। ईस्ट तैमूर एज एन एग्जांपल, आलमी बरादरी से हाथ मिलाए बगैर आइसोलेशन में रहते हुए अपनी मर्जी, देखो जो कहते हैं पंजाबी में, एक घड़े का डड्डू होता है, एक समंदर का डड्डू होता है। ये दुनिया समंदर है और हमने इस समंदर में अपने अपने आप को देखना है, ठीक करना है और अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि आखिर कौन सा धड़ा है जो कि इस अमन को नहीं देखना चाह रहा। अमन की बात करें तो लगता है नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं चाहते कि अमन हो, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर हम लोग ये जिस तरह बारहा आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, अमन चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर, बराबरी से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है भारत की जानिब से, बलूचिस्तान के बारे में बात की जाती है, अभी जो अफगान प्रेमियर गए हैं और वो भारत की जबान बोलते हुए नजर आए, वो भी हम लोगों ने देख लिया, सिर्फ $1 बिलियन के लिए वो ये तमाम बातें करते हुए नजर आए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वजीर आजम साहब जब जाएंगे वहां स्पीच करेंगे तो उनको बैकिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान के पूरे कौम की बैकिंग होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई की बैकिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए कल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि किस मुंह से वजीर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि पैनामा के हवाले से उनका ऑलरेडी जो चेहरा मस्क हो चुका है। गजनफर साहब, जब पैनामा की बात करें और कश्मीर के इशू की बात करें, देयर टू डिफरेंट इशूज, अगर वजीर आजम साहब पाकिस्तान का एक असूली मौकफ जाकर वहां पेश कर रहे हैं और पीछे से इस तरह की बातें की जाएंगी, तो उनकी स्टैंडिंग क्या वीक होगी या स्टैंडिंग वहीं की वहीं रहेगी? क्योंकि हमने पनामा की बात की है तो पनामा पाकिस्तान के अंदर तो हुआ नहीं है जी। पनामा एक इंटरनेशनल इशू है और पनामा के ऊपर जब हुआ है तो आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन का एक स्पेशल इजलास हुआ पनामा के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा ये पनामा में जो है अंडर हैंड मनी आती है, उनका ये जो है गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होती है, इसका जो है सोर्स चेक करने की जरूरत है और हम इस पर स्ट्रिक्ट बायलॉज बनाएंगे। सही। अब इसके साथ पनामा जब हुआ तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, पाकिस्तान में तो आप छोड़ देना, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में उन लोगों की तस्वीरें छपी जो पनामा में, जिनकी ऑफशोर्स कंपनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तस्वीर भी थी, बल्कि एक टाइम्स में लेटेस्ट एक छपी थी जिसमें उन्होंने लिखा जी बिलियनर शरीफ के नीचे उन्होंने शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाई हुई है और तमाम नीचे स्टोरी भी लिखी हुई है। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ये सोचते हैं कि बाहर जो 150 लीडर बैठे होंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में 120 जो लीडर बैठे होंगे उनको पनामा के बारे में नहीं पता और वो नहीं जानते कि नवाज शरीफ का नाम उसमें किस तरह आया था एक्सक्यूज मी या उसमें क्या डिटेल्स थी, तो ये हम वो कहते हैं ना आंखें बंद कर रहे हैं कि ये वहाँ लोगों को पता है। अब होता क्या है दुनिया में, होता ये कि डेविड कैमरॉन का जब नाम आया तो उसने अपने आप को न सिर्फ असेंबली में पेश किया बल्कि उसने वहाँ से उसने कहा कि जी मैं अपने तमाम टैक्स रखो बाकी आइसलैंड वगैरह। अब जब इसमें दुनिया किस तरह सोचती है, बाकी चीज़ें आप एक साइड पर रख दें, टेररिज्म दुनिया में चलता रहेगा, अमेरिका टेररिज्म को सपोर्ट, बाकी लोग सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि कुछ स्टेट्स को वीक करें, कुछ स्टेट्स के बॉर्डर्स खत्म करें। और नॉम चॉम्स्की ने बहुत पहले कहा था, उसने ये कहा था, एक थीसिस दिया था कि आने वाले दिनों में सुपर पावर जो है ये दुनिया के बॉर्डर छोटी स्टेट्स है ना इनको रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो तो उन्होंने कहा, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें जब आप कोई बात करते हैं तो इसमें बहुत जरूरी एक चीज होती है दुनिया के अंदर, वो होती है अखलाकियात। अगर बिल क्लिंटन गया था वो इसलिए नहीं गया था कि उसका कोई चक्कर था, उसलिए गया था, वो कहते हैं कि उसने झूठ बोला था। अब जब यहाँ पे इस तरह आप खड़े होते हैं तो लोग उस इंप्रेशन से तो आपको देखें, अगर एक क्लीनर चीज हो तो वो है। लेकिन बाहर जहां तक आपने बात की कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के मुद्दे के हवाले, कश्मीर के इशू के, वो जाके पेश करना जब आप किसी भी कंडीशन में हो या कोई भी बैकडोर चीज हो, वो मस्ट है आज के दौर में, क्योंकि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती।
की जो बात देखिए वो चीजें जो है वर्ल्ड लीडर्स के ध्यान में ये होगा कि ये शायद जो कह रहा है इसका बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ तो टीओआर कमेटी 5 महीने से कुछ नहीं कर पाई तनवीर साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि टीओआर कमेटी बनेगी भी नहीं। जो गजनफर भाई बात कर रहे हैं, मुझे उनकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनका ओपिनियन का जो शेड है वो उनका अपना है और उसका उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ की अखलाकियात के ऊपर आपने इमरान खान की जजमेंट कबूल करनी है या कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के इलेक्शन में अभी सर जवाब सर देखिए आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली, लेकिन आप सिर्फ गुफ्तगु सुने तो सही, कम से कम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने। बात यह है नवाज शरीफ की अखलाकियात की गवाही 20 करोड़ आवाम ने नहीं दी, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन ने नहीं दी, पंचायती इलेक्शन ने नहीं दी, कश्मीर के इलेक्शन ने नहीं दी, जिमनी इलेक्शन ने नहीं दी। और एक ऐसा इमरान खान जिसके बारे में राणा सनाउल्ला कहता है कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, कि भाई तुम इसलिए तुम कहते क्या हो कि करप्ट वजीर आजम जनरल असम्बली में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे करेगा, क्यों करप्ट है जनाब, पनामा लीक्स में नाम आया। भाई ऑफशोर कंपनी तेरी नहीं है क्या, आपको पता नहीं अलीम खान क्या कर रहा है, आपको पता नहीं जहांगीर तरीन साहब के कर्जों की क्या स्टोरियां, जो आपके दाएं बाएं सारे लोग हैं क्या सारे दूध के धले हुए हैं। देखिए उन्होंने कहा क्या, आप इनकी बात सुने, उन्होंने ये कहा कि जनाब चेयरमैन FBR हर महीने 25 करोड़ रुपए दुबई भेजता है। भाई सबूत लेके आओ, आप एक सियासी जलसे के अंदर खड़े होके इल्जाम लगाते हो, मरियम नवाज शरीफ ने की गाड़ी ने टक्कर मार दी वो बयान वापस ले लिया, पोस्ट डाली ट्वीट पे वो बयान वापस ले लिया। लेकिन वैलिड बातें नहीं है। देखिए बात ये है, अक्वामे मुत्तहदा में कश्मीर के मसले पे पेशरफ्त नहीं होगी, ये मातम करने का मुनासिब वक्त है ये बात करने का, जिस तरीके से इमरान खान इस विजिट को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी मियारी बात नहीं है। स्टेट्समैन का मसला जिस तरह से आलमी बरादरी का, वो इमरान खान साहब का क्रिएटेड नहीं है, वो ऑलरेडी सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर ISIF के तमाम उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन मसले को उठाने का टाइम जिस तरह तनवीर साहब ने कहा, क्या इसके बाद नहीं हो सकता था, क्या ये नहीं हो सकता था कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो वेबसाइट का मसला है ये बाद में भी उठा लिया जाता, उनके आने के बाद उठा रहे हैं, पहले तवातुर से उठा रहे हैं बाद में उठा लेते हैं। मैं तो ये बात से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं चल रहे हैं, जो सियासतदान होते हैं सियासी पार्टियाँ होती हैं वो इवेंट्स को उस तरह देखती हैं, जैसे आपने देखा पाकिस्तान में अभी उन्होंने राणा सनाउल्ला की मिसाल दी, मतलब मेरा ख्याल उनकी मिसाल जस्टिफाइड इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी एक मुकदमे में नॉमिनेटेड है, वो तो मतलब उनके खिलाफ जो चीज़ है वो तो बहुत कम स्टेट टेररिज्म या बाकी चीज़ें वो पता है, तो वो इज़ नॉट अ क्रेडिबल पर्सन टू बी रेफर टू। बाकी जो चीज़ें आपने देखा एक दूसरे के खिलाफ बयान हैं वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ अगर इमरान खान कुछ कहेंगे तो वो बयान देंगे, कोई और कहेंगे तो इमरान खान बयान। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं तो मैंने तो आपसे कहा कि ये टाइम है कि इस चीज़ को उठाया जाए और खासतौर पे कश्मीर को उठाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाके अपना कश्मीर में जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से मिले हैं, यानी उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से वो इसलिए मिले हैं कि जब बाहर जाएँ तो ये कॉन्फिडेंस या ये कंसेंसस लेके जाएं कि जी मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा बल्कि मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ और वो कश्मीरी जो पाकिस्तान हुआ, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो डिबेट्स हो ही नहीं सकती कि ये टाइम है उस चीज को। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर आप ये कहें कि एक शख्स को आप नलीफाई कर दे क्योंकि इमरान खान ये कह रहा है तो हर चीज गलत है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो हर चीज ठीक है। मैं, मेरा तो पॉइंट ये है कि अगर आपको नवाज शरीफ की इतने नहीं, अगर आपको नहीं सर, अगर नवाज शरीफ के अनुसार जो लोग बैठे हुए हैं सर, बात ये है अगर अगर नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो वो और मसला है, शक्ल की नहीं, अगर आपको उसका देखिए एक बंदा जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है और वोट लेके आया है, आप उस मैंडेट की तोहीन ना करें सर, आप ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, ठीक है, आपने जब तो बात कर रही है ना पॉलिटिकल स्क्रैबलिंग की तो वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्क्रैबलिंग की बात कर ले तो मैं दूसरे टॉपिक की तरफ लेकर चलती हूँ गजनफर साहब, क्योंकि पॉलिटिकल स्क्रैबलिंग की बात हो रही है तो फिर पॉलिटिक्स की जाती है, सियासत का खेल खेला जाता है कराची के हवाले से भी। कराची में हम देखते हैं पीपल्स पार्टी हो, MQM हो,
सियासत का खेल हमेशा से खेला जा रहा है और अब एक और चीज, एक और रुख इसका सामने आया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उनके ऊपर दो मुकदमे कायम किए जाते हैं, दो मुकदमे कायम करने के बाद उनकी रिहाई भी हो जाती है और उसके बाद राव अनवार, एसएसपी राव अनवार, साबिक एसएसपी राव अनवार, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है मुराद अली शाह साहब की जानिब से। अब तनवीर साहब, ये तमाम चीजें सामने आई, ठीक है वो अपोजिशन लीडर हैं, आगा सिराज साहब कहते हैं कि जी मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी, हालांकि कहा यह जा रहा है कि कानूनी तौर पर सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन कराची का क्या होगा, कराची ऑपरेशन का क्या होगा, मुराद अली शाह साहब की अथॉरिटी का क्या होगा? बात यह है जी कि अगर तो आपने कानून के मुताबिक कराची को चलाना है फिर तो कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। अगर सारे कानून तोड़ के एक खास नुक्ता नजर की तर्जमानी करनी है, ये राव अनवार स्टेट का मुलाजिम है या ये इसको कहीं से इशारे मिल रहे हैं, हदायत मिल रही, कोई एजेंडा है? मुझे तो लगता है कि हालात जानबूझ के खराब करके एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। ये कैसा कैसी बात है कि वजीर आला फोन कर रहा है और डीआईजी फोन नहीं सुन रहा? राव अनवार ने जिस तरह तजहीक आमेज अंदाज के अंदर ये किया है, आप एक घर पे छापा मारने गए हैं, आप खवातीन कांस्टेबल नहीं ले जा सकते थे? क्या बात है कि जो आप मुकदमा अपोजिशन लीडर के ऊपर है, आईजी सिंध को उसका पता ही नहीं है? सही। क्या बात है कि आपको कौन सी ताकत रोक रही है कि आप वारंट गिरफ्तारी ना दिखाएं, आप ये कानून के मुताबिक ना चले? देखिए बात यह है कि खवातीन से बदतमीजी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो सबूत मांगे जा रहे थे, पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें राव अनवार कर चुके हैं लेकिन कोई सबूत उन्होंने नहीं दिए। ये कल के वाक्य ने बताया है कि सिंध पुलिस में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप किसी के इशारे पे काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो जमहूरी हुकूमत के लिए काम कर रहा है। राव अनवार जो है अपनी हदूद से इन्होंने तजावज़ किया, अगवा की वारदात के मुर्तकब हुए। देखिए बात यह है, एम के ख्वाजा इजहार ने जुर्म किया है, जरूर सजा दें, ठीक है, लेकिन क्या ये जुर्म जो है पाक सरजमीन पार्टी में जो बैठे हुए हैं, जो जो बहुत चहेते हमारे, उन्होंने जुराइम ने मुलव्वस नहीं है? के अंदर उनके एक लीडर भी तो गए ना। बात ये है, लीडर तो वो जो फेस सेविंग के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन आप मुस्तफा कमाल को भी पकड़े, आप ये सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, कराची के पाकिस्तान 6-7 अरब दुनिया की आबादी है, सारी दुनिया की दहशत गर्दी कराची के एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों हो रही है? वही से पकड़े जा रहे हैं, वही कार्रवाई हो रही है, जो आपके एजेंडे पे अमल नहीं करता उसके ऊपर दहशत गर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। दो धड़ों की बात हो गई है तो राव अनवार साहब भी कहते हैं कि जी पुलिस के अंदर भी दो धड़े हैं, और दो धड़े हैं तो फिर राव अनवार साहब किस धड़े से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा धड़ा किसके ईमा पर काम कर रहा है, किसके कहने पर काम कर रहा है, और मुराद अली शाह साहब की बात सुनी भी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? अप्रैल 2015 में भी राव अनवार साहब को सस्पेंड किया गया था, फिर वापस आ गए क्या, फिर वापस आ जाएंगे? ब्रेक के बाद गजनफर साहब का भी पॉइंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कराची की सूरत हाल पे बात करें गजनफर साहब, जब आपके ऑपोजिशन लीडर उनको उठाकर ले जाया जाता है और उसके बाद फिर जब वारंट गिरफ्तारी मांगे जाते हैं एक जमात के सरबराह की जानिब से तो कहा जाता है कि मेरे पास है लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर इतना ताकतवर हो जाए कि वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मुझे चैलेंज ना किया जाए या मुझे अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, ऐसा कैसे, कौन सी बैकिंग है? आपने वो सुना है ना एक मकबूला है, गुड कॉप एंड बैड कॉप। बिल्कुल, तो राव अनवार साहब गुड कॉप है या बैड कॉप? अब बात ये है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी क्यों है, मेरी नजर में इसका कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। सही। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये तमाम चीजें जो कल हुई हैं ये पीपल्स पार्टी की पूरी कनाइवेंस और मर्जी से हुई। सही। इसके अंदर पूरी 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 की पूरी नॉड शामिल है। क्यों? इसलिए कि जो आपने चीज़ की है, मुराद अली शाह की जो हुकूमत आई है और जिस तरह उन्होंने फिर राव अनवार को और बाकियों को मुअत्तल किया है, तो आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी का सब जो स्प्रिट जो हेड है वो कौन है? आसिफ जरदारी? मुराद अली शाह को आसिफ जरदारी की मर्जी के बगैर काम कर सकता है? सही। मतलब है बिलावल जो है वो भी एक मतलब पीपल्स पार्टी का शो पीस है, जो तमाम की तमाम चीज़ें जो पॉलिसी हैं वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि राव अनवार जो है पीपल्स आसिफ अली जरदारी की मर्जी के बगैर भी काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में दो धड़े हैं और मुराद अली शाह साहब आप नहीं देखिए नहीं है आप देखिए नहीं इनका जो पहली बार 1982 में ये एएसआई भर्ती हुआ था राव अनवार, और उसका पूरा कैरियर देख लें वो कहीं भी पीपल्स पार्टी का चहेता नहीं था, वो एमकेएम का एंटी एमकेएम उसकी प्रमोशनें कैसे हुई हैं। रिलेशंस जो है कराची में कोई चीज इस कसम की मेरी नजर में
मैं मुराद अली शाह को टॉप लीडरशिप पे नहीं लेता, वो तो उनको तो लगाया गया है जैसे कायम अली शाह को लगाया गया था। कायम अली शाह ने कितने अपना शो कॉज नोटिस इशू किए थे, कितनी चीजों का नोटिस, 3000 से ज्यादा है, एक पे भी अमल नहीं हुआ। मजर साहब इन्हीं को रावणवार को सस्पेंड किया कायम अली शाह साहब ने दो हफ्ते बाद, दोबारा तो क्यों आया? अब बात यह है कि कराची के जो हालात है उनके अंदर टर्मोइल पैदा करने की कोशिश बारहा की जाती है, और चूंकि एमक्यूएम का एक इशू चला हुआ है और ये भी गलत नहीं है, इसको भी कि ख्वाजा इजहार के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज है क्या आप लेटर है, और ये भी गलत नहीं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो टारगेट किलिंग से रिपोर्टेड है, लेकिन इस तरीके से चीज का होना ये चीज को खराब करने की कोशिश है। मैं जो आपसे पॉइंट करना चाहता हूं, लेकिन सर क्या पीपल्स पार्टी ने कहा रावणवार को कि आईजी को पता नहीं है, तुम जाके बख्तरबंद गाड़ी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेके आओ, ये पीपल्स पार्टी की एडवाइस है। वो ख्वाजा इजहार जो है वो ख्वाजा इजहार मेंबर है, ख्वाजा इजहार जो असेंबली मेंबर है, ऑपोजिशन ऑपोजिशन लीडर है। तो राव अनवार जो है बड़ा एक्सपीरियंस, जय जो भी उसका बैकग्राउंड हो, बट जैसे पुलिसिंग एक्सपीरियंस है और उसने काफी सारी ऐसी चीजें की है जिसके जरिए कराची के अंदर बहुत सारा टूरिज्म, लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना, वो किसी बड़ी शख्सियत की मर्जी के बगैर, नॉट के बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर जा ही नहीं सकता। लेकिन अनिका सिर्फ एक सवाल, एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल कहा गजर साहब के ये दुबई से एक और हुकूमत चलाई जा रही है, यानी इन दोनों हुकूमत की सिमटे अलग है या सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं? भाई मेरी बात सुनिए, मैं मेरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है आप दोनों के लिए, मैं ये सवाल भी छोड़ता हूँ। देखिए ख्वाजा इजहार को आप फांसी पे लटका दें, अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया जो कानून के मुताबिक उसकी सजा बनती है, आप उसको कर दें। भाइयों जिसने एमकेएम बनाई, जिसने इसका फायदा उठाया, जिसने एनआरओ में इनको रिलीफ दिए, जिसने मुके लहराए, सर उन सारे लोगों को माफ कर देंगे? जे कोई इंसाफ है कि आप सारा ये कर दीजिए? आप मेरी बात नहीं समझिए, मैं ये नहीं बात कर रहा, आप जो बात कर रहे हैं ठीक करें। मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ वो ये है कि कराची के अंदर एमक्यूएम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है ख्वाजा इजहारुल हसन को उठा के, और वो फायदा जो है विक्टिम गार्ड प्ले किया जा सके इसके बाद। वो फायदा जो है वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि एमक्यूएम के, जैसे आपने देखा ना कि एमक्यूएम के खिलाफ कुछ चीजें आई, तो जो अपना बाहर बैठी हुई क्यादत है जो पीपल्स पार्टी का, वो नहीं चाह रही कि एमक्यूएम के खिलाफ इतनी चीज, क्योंकि उनका टॉप लेवल पे है कराची ऑपरेशन जो है, बातचीत है कराची ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। आप देखिए डॉक्टर आसम के घर पे आप देखिए, एक चीज मेरी बात, कराची ऑपरेशन के से कोई ताल्लुक नहीं है, कराची ऑपरेशन तो रेंजर्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रेंजर्स ने हुक्म नहीं दिया रावणवार को। तो भाई डॉक्टर आसम के घर से, डॉक्टर आसम के घर पे छापा मारा गया, वहाँ से पासपोर्ट लिए गए, पासपोर्ट टीवी चैनल पे कैसे आ गए? अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मुकदमे हो रहे हैं, क्या इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। देयर इज अ सिंपैथेटिक कंसीडरेशन टुवर्ड इस ऑपरेशन के जरिए एमक्यूएम को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, तो अंदाजा कर लीजिए कराची के आम आदमी के साथ, आम आदमी तो रिलीज होकर नहीं आता ख्वाजा इजहार को। कराची में जो तमाम कार्रवाई हो रही है और कराची में जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसके अंदर डेफिनेटली ये चीज भी कही जा रही थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब बनी तो उसको मकबूल करने की जरूरत होगी, और मकबूल करने के लिए कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसा विक्टिम कार्ड की जरूरत होगी जिससे एमक्यूएम पाकिस्तान को ये शो किया जा सके कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब अलग भी हो गए अल्ताफ हुसैन साहब से, तब भी उनको सियासत करना नहीं दी जा रही। क्या ये वो है या वाकई में एमक्यूएम पाकिस्तान को सियासत नहीं की जाने दी जा रही? सिंध की हुकूमत इस हवाले से जवाब दे, क्योंकि पुलिस आती है हुकूमत के अंदर और मुराद अली शाह साहब को इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, कार्रवाई करके ये दिखाना होगा कि ये कोई सियासी चाल नहीं है। लेकिन सियासी चाल की बात करें तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने, चौधरी इफ्तिखार आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़े मकबूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से सवाल उठा दिया। कहते हैं 63 के ऊपर, आर्टिकल 63, आइन के आर्टिकल 63 के ऊपर पूरे नहीं उतरते क्योंकि उनका मॉरल ग्राउंड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर मॉरल ग्राउंड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल थे, वो एक उनके अपने बेटे का सवाल था, उनका मॉरल ग्राउंड ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब लाहौर हाईकोर्ट गए हैं और उनका अदलिया से ताल्लुक रहा है, अब अदालत फैसला करेगी।
और इनका जो 400 सफ़े की एक पिटीशन फाइल की है जिसके अंदर कहा गया है कि नवाज शरीफ जो हैं ये अपनी अहलियत खो चुके हैं पार्लियामेंट का रुकन बनने में, आर्टिकल 63 की दफ़ा 2 के मुताबिक इनकी अहलियत जो है उस पर पूरा नहीं उतरते। मैं सोचता हूँ कि अगर मलक रियाज के पैसों पर मेरा बच्चा चला जाए यूरोप और वहाँ सैर सपाटे करे और मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे पास बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ी हो और गवर्नमेंट के मांगने के बावजूद मैं उसको ना दूँ और मैं एक प्लाट के मामले के ऊपर जो है आला अदलिया को मुलव्वज़ करूँ, क्या मैं आर्टिकल 62-63 पे पूरा उतरता हूँ? भाई शीशे के घर में बैठ के आप देखिए, मैं आपको बताऊँ बात क्या है। बात मैं जो पहले मैंने कही है, कोई सिचुएशन डिज़ाइन की जा रही है, कुछ होने जा रहा है। मैं आज सुबह एक खबर देख रहा था, दुनिया के 10 करप्ट तरीन लोगों की लिस्ट आई है और उस लिस्ट में दूसरा नंबर नवाज शरीफ का है। कुछ पता नहीं है उसका सोर्स क्या है, सेल बने हुए हैं और वो चीजें फेंक रहे हैं। एक खास वक्त पे इमरान भी एक्टिव हो गया, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी दिया गया। भाई बात ये है कि जो इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है कि 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी साहब ने जानिबदारी का सबूत दिया, इमरान तो आज तक उसमें क्या वकला बरादरी जो है वो इफ्तिखार चौधरी की बात मानती है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम करती है। बात यह है पाकिस्तान की अदलिया पहले अपना मौकफ वाज़ेह कर चुकी है। अब अगर 62-63 आप अगर इलेक्शन हार गए हैं, आपकी पार्टी तंगा पार्टी है, तो आप नवाज शरीफ को अदलिया के ऊपर बोझ ना डालें, तो पूरी पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। 62-63 फिर वही सवाल आता इस तरह है से ना आप करें। एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब ये साबिक सीजेपी इन ये खुद कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से इनकी बात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर को भी रेफरेंस दिया था, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तो स्पीकर साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तो सवाल आने लग गए हैं कि पहले रेफरेंस दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, इन्होंने भी कहा कि मैंने दिया, कुछ नहीं हो रहा। स्पीकर क्लियरली जो है वो साइड ले रहे हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब क्लियरली अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए ऑपोजिशन में जा रहे हैं। सुनो जी, मेरा इनिशियल पॉइंट था ना, जब मैंने कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ जहन में परसेप्शन होगी वो परसेप्शन उन लोगों के अंदर मौजूद होगी जो वहाँ बैठे होंगे। तो आपने मेरी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर दिया। क्या जब इफ्तिखार चौधरी ने जाके नवाज शरीफ की 62 या 63 के ऊपर चैलेंज किया तो आपने फौरन ही परसेप्शन की बात की और उसकी रियलिटी की बात की और बिल्कुल ठीक बात की कि इफ्तिखार चौधरी ने तो खुद जो कुछ किया है एज ए चीफ जस्टिस, जो कुछ किया जब उनके बेटे की शादी थी, वो बोरी लेके फिर रहे थे वहाँ पे, उनके साथ एक पीछे बंदा था वो बोरी लेके फिर रहा था, उसके खड़ा कड़कड़ा कर यहाँ पे ही शादी हुई थी लाहौर में, जो गर्लफ्रेंड कंट्री उसके अंदर लोग डाली जा रहे थे। वो हालांकि होता ही है कि जब इस स्टेचर के आदमी की शादी हो तो मैंने ये देखा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कार्ड पे कि जो नो गिफ्ट विल बी एक्सेप्टेड और ये कोशिश की जाती है। तो बात यह है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तकवीर ने जो उनकी परसेप्शन ही जो रियलिटी है और जो कुछ उन्होंने कहा, तो उनकी जब वो जज के सामने पेश होंगे तो जज ये कहेगा कि ये शख्स खुद क्या था, ये तो अभी तक वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए लड़ रहा है और इसने जब जबरदस्ती यहाँ पे कराची या लाहौर आया था तो इसको एक कार जो है मर्सिडीज 2 नंबर यहाँ से गवर्नर हाउस की दे दी गई थी। इसने पूरी की पूरी चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक जितनी वो एडमिनिस्ट्रेशन थी सबको फॉलन कर लिया था 3 दिन तक उनको। इसका जाती प्रेफरेंसेस इतनी ज्यादा है, जब ये पाई यहाँ से चलता था और क्वेटा जाता था तो तमाम DPO रास्ते में स्टेट फंक्शन रुक जाया करता था। तो बात ये कि वही परसेप्शन होगी ना, तो इस चीज तो नवाज शरीफ साहब में भी तो वही चीजें बहुत सारी आती हैं, VIP कल्चर तो उधर भी बहुत ज्यादा। मैं अर्जी कर रहा हूँ, मैं आपसे यही तो बात कर रहा था कि जब आप चीज अपनी अखलाकिया अपनी उसकी बात करते हैं क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी में यही चीज और वर्ल्ड दुनिया के अंदर इस चीज को बड़ा सीरियसली देखा जाता है। तो बात यह है कि अब जब इसके अंदर जो चीजें चली या इफ्तिखार चौधरी कुछ करेगा या उसके बाद दो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भेजा था 62-63 में खुद अपने जमाने में, मसला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो बात समझ गई है कि हमने जमहूरियत के साथ खड़े होना है, पार्लियामेंट की एहतराम करना है, ये सियासी जमातें कब समझेंगी कि जमहूरियत के साथ खड़े होना है? 2018 के इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम के पास जाएं, डिलीवर करें, इमरान खान के में मसाइल हल करें। एक चीज याद रखिएगा, सियासी जमातें उसको समझेंगी, आप बुनियादी आप किसी कल्चर से सियासी जमातों को नहीं समझा सकते, उस वक्त समझेंगी जब आपका इलेक्शन फेयर होगा। इलेक्शन कमीशन फेयर होगा, क्योंकि आपका इलेक्शन फेयर नहीं था।
आपके जब जिमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उनमें कहा गया 30% धांधली हुई है। स्पीकर ने चंद लोगों को अपने वो एक रेफरेंस रोक लिया दो, तो फ्री स्पीकर भी डिबेटेबल हो गया। आपका स्पीकर वो है जिसका इनिशियल इलेक्शन रिग्ड था, वो फिर उसको तो स्पीकर आने नहीं चाहिए। तो जब आप जब देखिए कंप्रोमाइज लोगों को, जब कंप्रोमाइज पॉलिटिशियंस को आप हैविंग एनी बैकग्राउंड जब उनको ले जाएंगे, 2013 का इलेक्शन भी धांधली, कश्मीर का इलेक्शन धांधली, गिलगित बल्तिस्तान का धांधली, इलेक्शन कमीशन आप असर खान केस उठाइए और देखिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन सियासतदानों को पैसे देता था, कौन इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाता था, कौन जाके वहां पे हो गया। बात यह है इलेक्शन की जो धांधली है इस हमाम में तो हम सारे एक जैसे हैं। बात यह है कि माजी के ऊपर आप ये तो नहीं हो सकता कि माजी में चीजें हैं तो आपने इलेक्शन कमीशन अगले 20 साल तक बनाने आप दोनों की कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग आईन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे। आर्टिकल 62 और 63 को एक मजाक बना दिया गया है जो कि हर सियासतदान दूसरे के ऊपर लगा देता है। सबको अपने गिरबानों में भी झांकने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन की तरह जिसने एक्चुअली ये जांचना होता है कि आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर आखिर कौन पूरा उतरता है और कौन पूरा नहीं उतरता और कितने असासे दुरुस्त बताए जा रहे हैं और कितने असासे दुरुस्त नहीं बताए जा रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये जो रेफरेंस दायर की है इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, साथ उनके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन पनामा पेपर्स की तहकीकात कहाँ तक पहुँची वो तो हमारे सामने ही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के अंदर ब्यूरोक्रेसी का होना इम्पोर्टेंट होता है, उन इदारों का जो कि पनामा लीक के मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन वो गायब होते हैं। DGFIA नहीं होते, चेयरमैन SECP नहीं होते, स्टेट बैंक के ओहदेदार नहीं होते। कितने ही ऐसे जो इदारे हैं गजनफर साहब जिनके ब्यूरोक्रेट्स को, जिनके हेड्स को, जिनके सरबराहान को पब्लिक अकाउंट कमेटी के इस इजलास को अटेंड करना था, ये लोग वो हैं जो कि पनामा का पैसा वापस ला सकते हैं, लेकिन ये वहाँ मौजूद ही नहीं है, बायस्ड है। जब ये एपेक्स कमेटी का और ये जो नेशनल इलेक्शन प्लान रिव्यू कमेटी का इजलास होता है ना, जी, तो वहाँ पे जो होता है लोगों की सीरियसनेस ये होती है कि वो अपने आप नहीं जाते, अपने जूनियर्स को कहते हैं यार वो फिर आ गया जाके अटेंड कर लें। अब हमारे यहाँ ये सीरियसनेस है नेशनल इशूज़ पे, और जैसे आपने कहा पनामा के ऊपर इजलास हो रहा था, पनामा के ऊपर जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है या जो चीज़ें आपकी TOR के जरिए आप डिले करें वो तो इंटेंशनल है ना कि आप चीज़ को किसी मसले के हल की तरफ नहीं लेना। तो जब आपका ऊपर से ये जो है सबक है तो नीचे वाले उस सबक से क्या करेंगे, वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। यानी उनके अंदर सीरियसनेस ही नहीं है कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किसी ने जाके जवाब देना है। और जवाब इसलिए देना है कि जब आपकी मिनिस्ट्रीज है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, FIA किसी से कंट्रोल होती है, अपना FBR किसी से कंट्रोल, जब मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है और उन्होंने अपने बाबा अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं इंस्ट्रक्ट किया कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको आपने अटेंड भी करना है और इसके ऊपर आपने डिटेल ब्रीफिंग भी देनी है, ब्रीफिंग देनी भी है, तो जब आप उनको किया ही नहीं तो why should they go? इस पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगी। मिनिस्ट्रीज क्यों कहती है कि आपने अटेंड करना है, ये तो मिनिस्ट्रीज उनकी हुकूमत के खिलाफ खुद बात आती है। और ये ब्यूरोक्रेट्स तो वो है ना उन इदारों के जो अगर चाहें अपनी ऑटोनॉमी जो प्रैक्टिस करना तो ये काम करके दिखा सकते हैं पनामा के मसले। साकेत जमहूरियत में ये फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह होगा जो कि सबसे बड़ा हाईएस्ट इदारा है अकाउंटेबिलिटी का पार्लियामेंट के अंदर। ये चौधरी निसार बने लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये असूल मुतारफ कराया कि अगर सेक्रेटरी लेवल से नीचे का कोई अफसर आया तो उसको ना सिर्फ बैठने नहीं दिया जाएगा बल्कि इसकी कार्रवाई की जाएगी। सही। आज वो हुकूमत में है और सूरत हाल क्या है, 8 सितंबर को पनामा पेपर्स को डिस्कस करना था पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, 8 अफसर बुलाए गए, एक भी नहीं आया, यानी उसमें FIA का DG, SECP का चेयरमैन, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खारजा, FBR, चेयरमैन NAB, कोई नहीं आया। इससे पहले क्या हुआ, अगस्त में दाखिला की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, मिंत की गई कि ज़रा सेक्रेटरी दाखिला को भेजते हैं, उसने इतना भी अहमियत नहीं दी कि वो आ जाए। इससे पहले इंसानी हकूक की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बात करनी थी, सिंध रेंजर्स और FC अफसरान को बुलाया गया, उन्होंने वो नहीं आए और उस पर भी बात नहीं हुई। बात ये है ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। हमने देखा था कि पहले जो इसकी कोई हैसियत काबीना की नहीं थी, वजीरों की नहीं थी, अब सरकारी अफसरान भी जो हैं वो, यानी ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये तो शैडो वजीर आजम होता है। right. और अगर आप पार्लियामेंट की जो कमेटियां होती हैं ये बाजू होते हैं पार्लियामेंट के। अगर इसमें देखिए खुर्शीद शाह जो है
वो एक ऑफिस को रन कर रहे हैं ना, एक ओहदा उनके पास है, एक पार्लियामेंट का वो उनके पास एक मैंडेट है। अगर यहाँ पब्लिक, उन्होंने कहा कि हम सारे के सारे इस्तीफा दे देंगे, पूरे पाकिस्तान में किसी ने उसका नोटिस ही नहीं लिया, ना पार्लियामेंट ने, ना स्पीकर ने, ना चेयरमैन सेनेट ने, वो बेचारा अकेला ही रह गया। अब देखिए ये बात, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि पनामा लीक्स पे अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई है, क्या ये स्टेट बैंक में भी राहुल अनवर बैठा हुआ है, क्या एफआईएम में राहुल अनवर बैठा है, ये अपने अपने सारे इदारों के अपने अपने राहुल अनवर हैं जो जूते की नोक पे लिखते हैं कानून को, जो गवर्नमेंट करते हैं। ये इदारे जो हैं, ये तमाम इदारे हुकूमत के अंदर तो नहीं आते, तमाम के तमाम इदारे, बहुत सारे इदारे इसके अंदर से ऑटोनमस भी हैं जो कि अपनी विल के अकॉर्डिंगली, यानी इनकी विल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसमें ऑटोनमस कोई भी नहीं है। नहीं, नाब जो है, नाब तो खुद कार्रवाई कर सकता है ना, असूलों के तौर पे वो वैसे कहने के तौर पे ऑटोनमस है, इट्स टोटली अंडर द गवर्नमेंट। नाब जो है वो गवर्नमेंट की विश और उसके मुताबिक, अगर गवर्नमेंट नहीं तो लीडर्स की विश के मुताबिक काम करती है। नैब ने कोई ऐसा काम नहीं करना जो पनामा पेपर के खिलाफ जाए, आप देख लेंगे, एफआईए ने कोई ऐसा काम नहीं। ये असल में जो बुनियादी इशू है ना, वो ये देखना है कि ये तमाम चीज गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस और गलत और नॉन आठ अफसरों का नाम बताता है कि वजीर आजम जवाब दे नहीं समझे। अब ये तमाम अफसरान को 8 सितंबर के बाद 20 सितंबर को जवाब दे होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों। लेकिन खुर्शीद शाह साहब की भी कुछ वीकनेस है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अपने बारे में जब सवाल किया गया, वो 90,000 मोबाइल हज स्कैंडल के बारे में, तो उस टाइम पे वो उठ के चले गए, तो वो कैसे किस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चला सकेंगे, जब चौधरी निसार साहब थे तो उस टाइम पे स्ट्रिक्टली डील करते थे, ये क्यों स्ट्रिक्टली डील नहीं कर रहे पब्लिक मनी से, ये भी सवाल छोड़े जाते हैं। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है। अल्लाह हाफिज़।